कहने का मतलब वो दोपहर के टाइम खेत में काम करता है, उसके खेत में उसका खून होगा और उसकी बेटी सकीना जो है अच्छा वो वहाँ पर पानी लेकर जाती है अपने बाप के लिए। हाँ तो वो जानने मत पाए उस रौडिया का हमरा लौंडा रेप करेगा। इसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अरे ठाकुर साहब, इंस्पेक्टर खोते के होते हुए रेप तो रेप है सारे को बलात्कार को आराम से करो जब तक इंस्पेक्टर खोटे इस थाने में तैनात है। अच्छा अच्छा, मकान मचो 2 लाख रुपया जुम्मन के कत्ल का मिलेगा और 50,000 रुपया हमारा बेटा जो रेप करेगा उसका मिलेगा। हमारे पास सुनो ठाकुर साहब, ये थाना तुम्हारा, ये जमींदारी तुम्हारी, ये थाना तुम्हारा, ये जमींदारी तुम्हारी, लगा बुरा वो ठाकुर पुलिस है तुम्हारी। लगा बुरा वो ठाकुर पुलिस है तुम्हारी। ठाकुर साहब इस पटक हो गए, जब तक इस थाने में तैनात है बराबर खून खराबा करो, बराबर बलात्कार करो तो मैं कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरे यार और एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहने का मतलब? हम एक तीर से लोग 2 शिकार करते हैं, लेकिन हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले हैं। वो कैसे ठाकुर साहब? वो 3 शिकार ये हैं, क्योंकि तुम प्रधान हो, राजनीति के बारे में तुम अच्छी तरह राजनीति हमारे दिमाग पर कूट कूट के भरी है। कहने का मतलब, नंबर 1 जुम्मन मियां का खून, नंबर 2 उसी मामले में उसी बीच में उसकी बेटी सकीना का रेप, और तीसरा काम ये आपका है। ये सारे इल्जाम परसू के बेटे यानी जो परसुआ प्रधान है उसके बेटे लाखन पर जाना चाहिए। ओ वो जो परसुआ का लौंडा लखना है उसी के ऊपर आ जाइए। बस मेरे लिए काटा बस वही एक है। क्यों परेशान हो ठाकुर साहब? ये तुम सब काम करो, उसके बाद हम पर छोड़ दो, ठीक है? तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। पहनी का टाइम, कोई भी काम हम मुफ्त में नहीं करवाते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, ये पहनी के टाइम पर फिलहाल कुछ पैसे रख लो, और वो 2 लाख रुपया हमने देने को कहा है। 2 लाख रुपया जुम्मन के खून के बाद, 50,000 उसके सकीना के रेप के बाद, और 1 लाख रुपया मैं आपको और दे दूंगा जब लाखर को आप गिरफ्तार कर लेंगे। देखो ठाकुर साहब, ये रुश्वत के पैसे हम हाथ में ही लेते हैं, क्योंकि भारतीय तिरंगे झंडे के नीचे शपथ लेते हैं कि देश की रक्षा करूंगा, ये रुश्वत खोरी नहीं करूंगा। अरे कोई पैकेट में रख देता है, इनकार भी नहीं करते हैं। कहने का मतलब काला धंधा गोरे लोग। हाँ सही कहते हो ठाकुर साहब, जाइए। पुलिस थाने में बैठी रहनी चाहिए, जब तक हम इतना नहीं करेंगे तब तक पुलिस नहीं आनी चाहिए। वहाँ पुलिस का तो पुलिस कोई भी नहीं पहुँचेगा। कहने का मतलब, जब जुम्मन मियां का खून हो जाएगा और सकीना की इज्जत लूट जाएगी, फिर उसके बाद हम फोन करेंगे और ना आप वहाँ पर आकर लाखों को गिरफ्तार कर लेना। जाइए, ठीक है लाखों। जी साहब,
देखो हमसे मिलके रहो इसी तरीके से प्रॉफिट होता रहेगा। मगर ये बात साफ ठीक नहीं है। तुम हरामियों ठीक नहीं है। हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? सरकार कितनी देती है? 3500 रुपया देती है तनख्वाह। 3500 में क्या होता है साहब? है वो दिन याद करो जब ये वर्दी पहनने से पहले तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाए थे कि हम किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। चलिए सर, चलिए हम मिलकर रहेंगे आपसे। और बेटा जवान सिंह, हाँ पिताजी, तैयार हो जाओ, चलते हैं खेतों की तरफ। सुना जो सारा जुम्मन भी अपने खेतों में काम कर रहा है और वहीं पर उसकी बेटी सकीना पानी लेकर आती है। चलो चलते हैं उस साले जुमना से मुलाकात करते हैं। आप जी काफी समय हुआ खेत की मेड़ बांधते हुए, लेकिन मेरी बेटी सकीना अभी तक पानी लेकर नहीं आई। साले परसुआ को दिया, तुझे शर्म नहीं आई? भैया इमा गलती हो गई। भैया अब करीब का करीब? भैया सरकार जब बैकवर्ड सीट दे दिख रहा है भैया, तो मजबूर वोट दे के पड़ेगा। तो फिर पैसा मुझसे क्यों लिया था जब तू बीमार हुआ था, और 11,051 रुपया साले तुमको जब दिया था जब तुम कह रहे थे कि हम मस्जिद बनवाने जा रहे हैं, दिया था। अब वो परसुआ से पैसा तुम हमको दिलवाओ, वो पैसा हमको दिलवाओ। सकीना, ये सकीना हराम चादे, कहाँ ये सारे पठिया पाल रखे हो? हम तो इसके बारे में कुछ सोच नहीं सकते। बेटा गुमान सिंह, अब देर किस बात की है? अब देर किस बात की है? उठा लो इस शराम जादी को, लाओ इस तरह को। ठीक है पिताजी। और ना साली का रेप कर दो। लाला, लाला, अब यहाँ से बहुत जल्दी निकलो, क्योंकि उधर देखो ये साला परसू आ रहा है। अब तो गड़बड़ हो गया, जाओ बहुत जल्दी यहाँ से निकलो। हेलो बेटा लखन, हाँ तुम्हारे चाचा जुम्मन का और उनकी बेटी। हरा करके अपने आप को साले बहुत बड़ा शोरमा समझता है। प्रधान साले क्या बन गए? नेता कट साले सदरी क्या सिरवाले अपने आप को साले प्रधानमंत्री। बढ़िया, बारो इस साले को, बारो।
बांधो। बुरा कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो रणवीर सिंह। क्या बुरा कर रहे हैं? अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो इसके बदले में तुम्हें सजा बहुत। तेरा बेटा आ जाएगा? तेरा बेटा कहाँ जाएगा? तेरा बेटा तो ऐसी जगह जाएगा बांधो इसको उधर। पिछवाड़े घुस गए अब तुझे मालूम होगा कि प्रधानी जीतने का अंजाम क्या होता है। हेलो, यह जो है 10 रुपए का कलम बंद नाम और उनका कहना है ये साले को नंगा करके तब मारो साले को। उतारो साले के कपड़े, उतारो कपड़े। प्रधानी छीनना मौत को दावत देना होता है। खड़ा नहीं होगा, सरकार की तरफ से हमें कार मिलेगी, हम लोग बैठ करके ऐसो आराम करेंगे, निर्विरोध हो जाएंगे। अमृत प्रधानी छीन लिए हो, अमृत प्रधानी छीन लिए हो, ठकुराई नहीं छीन लिए हो। तुम जैसे लोगों के लिए हमारी प्रधानी नहीं, केवल ठकुराई ही काफी है। समझ जाओ। साले को ले चलो और इसको ले जा करके काल कोठरी में डाल दो और इस साले को हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे और एक बात हम लोग कान खोल करके सुनो, ये बात कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि परशु प्रधान हमारी हिरासत में है। आप परेशान मत हो ठाकुर साहब, ये तो बहुत छोटा सा काम है। इसको तो मौका पाकर हम ऐसा मारेंगे जो इसके मुंह में एक बूंद पानी डालने वाला भी नसीब नहीं होगा। इसे काल कोठरी में बंद करो और 12 मन की जो बजर पहनी है उसके ऊपर रख दो। चलो तेरा साले को। बेटा गुमान सिंह। हाँ पिताजी। परेशान मत हो, अब बारी आई है तुम्हारी शादी की। बहुत शादी करने वाले हैं और बहुत जल्द ही शिल्पा तुम्हारे घर घर मर करके आएगी। हाँ पिताजी, चलो। हाँ शिल्पा, मैंने तुझसे वादा किया था कि एक बार इस चांद के नीचे जरूर आएगी हरा जरी। अब मैं सेहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है, मैं तेरी मां भी सजाऊंगा। Yeah,
मुंह के गोली मार दिया। नहीं बहन, तुम ये चोर को नहीं जा सकती। नहीं भैया, मैंने जहर खा लिया है भैया। शुक्ला जी, लाश को सील करो। क्या रे, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम लखन है तिरदान। ये कौन सा जुम्मन है? हाँ जुम्मन चाचा, मेरी बहन सकीना थी। है तेरी बहन सकीना? तुम हिंदू हो, वो मुसलमान है, यहाँ क्या लेने आए थे? तुम्हें ने उसका खून कर दिया है, और उसके वो जो लड़की थी उसका सले रेप कर दिया। मार बोलते हमारी बहन है। शुक्ला क्या हो तू, यहाँ क्या लेने आया था? बोल। मेरे पिताजी ने फोन किया था कि बहुत जल्दी यहाँ खेतों की तरफ आ जाओ। मैं यहाँ खेत की तरफ आया, देखा क्या बहन सकीना की सांस चल रही थी, जो मैं चाचा की लात पड़ी हुई थी। ना तूने सारे इस लड़की का रेप किया, जब उसका बाप जुमला आ गया तो तुमने उसका खून कर दिया। खून मत बोल। हमारी बात सुनो, यह काफी इसे डाल तो we'll be right back.
बोलता ये हमारी पहल है तेरी मज़। तुम तो इंस्पेक्टर हो कोई जाहिल नहीं, खून कर दिया है तुझे शर्म नहीं आई? तू मेरे मौत का कारण मर जाएगा ये। ये सलाह क्या हद करी? ठाकुर साहब पे इल्जाम लगा रहा है। अरे ठाकुर साहब कितने अच्छे इंसान है, ये पर इल्जाम लगा हमको अरे कानून की वर्दी पहनकर उन कुत्तों की दलाली करता है, इसने जाल फेंक उतार कर फेंक दे वर्दे और डाल ले ठाकुर रणबीर सिंह के अपने गले में पट्टा और बन जा कपल तू कुत्ता।
कुत्ता बता रहा, ले जाओ चलो थाने में जाएगा तुम्हारी। हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। अरे लाखन, तेरी शायद जिंदगी ने बर्बाद कर दिया तो हमारा नाम इंस्पेक्टर पोटर। लाला मुनीम, आज हमारा दिल बहुत खुश है। कहने का मतलब, हमारे जितने दुश्मन हैं वो सब अपने अपने ठिकाने लग गए हैं। धीरे धीरे देखो ठाकुर साहब, आगे अब होता क्या है। कहने का मतलब, चुम्बन मियां तो दुनिया से ही चला गया, उसकी बेटी भी दुनिया से चली गई, और परसुआ को तो हमने अपने अंडर में ले ही लिया है, और उसका बेटा लगन अब वो सारा पुलिस की हिरासत में है। बहुत अच्छा हुआ, आज हमारा दिल बहुत खुश है बेटा गुमान सिंह, आज हमारा कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन पिताजी, और हुआ काम पूरा, खुश हो जाते दुश्मन हमारा अभी बाकी है, अगर वो भी सारा यहाँ होता तो उसको भी हम ठिकाने लगा दिए होते, लेकिन वो सारा परसुआ का बड़ा बेटा जो सूरज है वो इस टाइम यहाँ पर है नहीं। खैर, वो जब कभी आएगा तो उससे भी हम निपट लेंगे। पिताजी, मेरे आज ये बहुत चौंकाने वाली बात लेकर आया हूँ, क्योंकि ये जो परसुआ का बेटा सूरज है, ये पुलिस इंस्पेक्टर बनकर यही शहर में आ गया है। और परसुआ का बेटा इंस्पेक्टर बनकर क्या है? हाँ पिताजी। अरे वर्दी से तू क्यों डरता है बेटा? तुझे नहीं मार भाई, तेरा बाप वो चीज है जो वर्दी को खेल और कानून को अपनी रखेल करता है। हाँ पिताजी, ये तो मैं चाहता हूँ, लेकिन एक बात और है। वो क्या है? मगर परसु का क्या करे अब पिताजी।